भानी देवी गोयल सरस्वती विद्यानगर कॉलेज झांसी से के तिवारी फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 15 इलास्टिसिटी। इसमें जो अगला टॉपिक की डिस्कसिंग करने जा रहे हैं वो है डिटरमिनेशन ऑफ यंग मॉडुलस। इसमें पहला जो प्रोसेस है वो है अरेंजमेंट। इसके लिए ये स्मॉल अरेंजमेंट फॉर डिटरमिनेशन ऑफ यंग मॉडुलस of elasticity of material of a wire as shown in above figure. In this arrangement, a long straight wire, a non-edge reference bar, is suspended from rigid supports. Wire A is maintained straight by suspending sufficient weight at its lower end. Main scale capital M is attached adjacent to the wire A. Experiment wire B of same length and radius is suspended from same rigid support. Length of the wire B can be extended by putting weight in the pan attached to lower end of the wire B. A vernier scale V is attached to lower end of the B, which can slide up and down on the main scale capital N attached to the wire A. ये होगा आपका अरेंजमेंट के बारे में। इसके बाद प्रोसीजर क्या होता है इसके लिए, एट फर्स्ट लेंथ एल एंड रेडियस आर ऑफ एक्सपेरिमेंटल वायर बी आर मेजर्ड, देन ए स्मॉल वेट से 500 ग्राम इज पुट इन दी पान अटैच टू वायर. After waiting for 1 minute so that length of wire may increase to its maximum value, reading of scale is recorded. The process is repeated by increases weight in the pan gradually, say 1000 gram, 1500 gram, 2000 gram, and recording the scale reading. The difference between two readings of scale give extension in length if delta L is the expansion in the weight of bar when M mass is suspended from it. Then Young's modulus Y of material of bar is calculated from following formula Y बराबर mg बटे पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल अपॉन एल. बी बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भैन ए यूनिफॉर्म प्रेशर उसका नॉर्मल पर यूनिट एरिया इज अप्लाइड एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ ए बॉडी, देन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी चेंजेज but its shape remains unchanged. Shh.
द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी इज नॉन एज नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूम. स्ट्रेस और प्रेशर एंड फ्रैक्शनल चेंज प्रोड्यूस इन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज नॉन एज वॉल्यूम स्ट्रेन. विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ नॉर्मल वॉल्यूम स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेन इज नॉन एज द बुल्क मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी एंड इट डेनोटेड बाई कैपिटल बी. कंसिडर ए स्फेरिकल बॉडी ऑफ वॉल्यूम बी एंड सरफेस एरिया कैपिटल ए. लेट एफ बी दी नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन सरफेस एरिया कैपिटल ए. शो द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी डिक्रीजिंग वाई डेल्टा वी देन वॉल्यूम स्ट्रेन इज इक्वल माइनस डेल्टा बी अपॉन वी. इक्वेशन नंबर वन निगेटिव साइन सो दैट वॉल्यूम डिक्रीज ऑन अप्लाइंग फोर्स एफ. एंड नॉर्मल ऑब्लिक वॉल्यूम स्ट्रेस बराबर नॉर्मल फोर्स अपॉन सरफेस एरिया बराबर इक्वल के नीचे अलावर एफ अपॉन एस. इक्वेशन नंबर टू देन बल्क मॉडुलस बी बराबर नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन. इक्वल के नीचे बराबर बी बराबर एफ अपॉन ए. एफ अपॉन ए अपॉन माइनस डेल्टा बी अपॉन बी. चूंकि एफ अपॉन ए बराबर डेल्टा पी होता है इसलिए बी बराबर डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा बी अपॉन बी. इसलिए बी बराबर माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा बी इंटू बी. इक्वेशन नंबर थ्री द इक्वेशन ऑफ थ्री वी प्रेजेंट द वुल्क मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी. इसके आगे आप सीक्वल डिस्कसिंग किया जाएगा.